ग्वालियर में सोमवार सुबह एक रिटायर्ड जवान ने 3 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से एक महिला समेत 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बिजली की तार लगाने को लेकर रिटायर्ड जवान और कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया। विवाद होने से नाराज रिटायर्ड जवान ने सोमवार सुबह 2 भाइयों और एक महिला को गोली मार दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने 1 घंटे के अंदर पकड़ लिया। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में रसूलपुर इलाके में एक घटना हुई है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा 3 लोगों को गोली मार दी गई है, जिसमें से 3 लोग GH अस्पताल में इलाजरत हैं। घटना बताई जा रही है कि शाम के समय पर किसी बात पर विवाद हुआ था, उससे सुबह करीब 6:30 बजे के लगभग ये गोली मारी गई है। और गोली मारने वाला व्यक्ति भदौरिया यशवीर नाम लिखता है अपना, और इसके द्वारा पूर्व में किसी सेना में किसी में सर्विस की गई है और वहीं पे निवास करते हैं दोनों लोग। दोनों परिवारों के बीच में बिजली के लेकर कोई विवाद बताया जा रहा है। जो घायल व्यक्ति हैं वो इलाजरत हैं GH अस्पताल में। पुलिस प्रकरण में टाइमिंग कर रही है। सर, सुबह भाई जगाए चाय पत्ती लेने गए दुकान पे, यशवीर सिंह भदौरिया आया है अपने पिताजी के साथ, घर में चिड़ तो वो आया है सर घर पे, उसने घर के बाहर भाभी थी और बड़ा भाई था धर्मवीर, उसमें गोली मारी है, भाभी में मारी है, खींचता नहीं। जब तक बड़े भैया आए देखने तो उनमें भी गोली मार के चला गया। तीनों राजवीर सिंह, धर्मवीर और मीना और संजना, 4 जने घायल हैं। मेरी भी वाइफ, हाँ, और भदौरिया ने गोली मारी, उसके बाप भी साथ में था, और 2 बाप का नाम नहीं मालूम, यशवीर सिंह भदौरिया और उसके पिताजी और रंजीत और एक आदमी और है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।